ओम नमः शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष रविवार पंचमी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा आज दिन में 11:50 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलते रहेंगे। तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, सर्वगुण संपन्न, धनवान और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ये हंसमुख, विनोद प्रिय, सहनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक मितव्ययी, फूंक फूंक कर कदम रखने वाले, अधिकतर मामलों में सशंकित रहने वाले और भूमि संबंधी कामों में निपुण भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनिदेव हैं। चंद्रमा की युति आज अपने नक्षत्र में मंगल और केतु के साथ बनी रहेगी, जिसका मिला जुला प्रभाव सभी के ऊपर अपने कारकों के अनुसार मिलता जाएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आज भी केतु और मंगल के साथ दसवें घर में चलते रहेंगे, मगर आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। आपकी सक्रियता और परिश्रम का केंद्र बिंदु अपनी योजनाओं को विकसित करना और आगे बढ़ाना रहेगा। साझेदारी की लाभदायक प्रेरणा और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अपने खर्चे को नियंत्रित करना चाहिए। उत्तेजनात्मक माहौल में या वाद विवाद में सावधानी बरतनी होगी। मन किसी अनजाने भय से ग्रसित रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। वृष राशि वाले जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और कार्य क्षेत्र की अधिकतम योजनाओं को संपन्न करने की कोशिश लगी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संबंधित मामलों में खर्च की स्थिति संभावित है, मगर आप अपने बुद्धि कौशल से उसे नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। पिता से विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। माहौल को अनुकूल और शांतिपूर्ण बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों का झुकाव कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति केंद्रित रहेगा। साथ ही संभावित यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव भी महसूस होगा। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास भी बना रहेगा, जो कि आपकी व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ के लिए सहायक रहेगा। विभागीय सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल रहेगा और साझेदारी के कामों में सामान्य लाभ संभावित है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। कर्क राशि के जातकों को साझेदारी और कार्यक्षेत्र के विस्तार और साथ ही साथ मातृपक्ष से सहयोग और उचित दिशा निर्देश की संभावना बनती है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में ढालने के लिए समय अनुकूल है। विरोधियों की साजिश को निष्फल करने और अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए आपको संयम और सूझबूझ से काम लेना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के काम में रुकावट, आर्थिक खर्च और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। साथ ही अनावश्यक भयग्रस्तता, मानसिक चिंता और यात्रा का दौर संभावित है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नई कार्य योजनाओं को विकसित करने में लगाएं और रुके हुए कामों को संपन्न करने की कोशिश करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विभागीय और अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों का मूल उद्देश्य कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सार्थक पहल, आर्थिक लाभ के अवसर और पारिवारिक सुख चैन की कमी को पूरा करने के प्रति केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। वक्री शनि आपके चौथे घर में और केतु, मंगल व चंद्रमा आपके पांचवें घर में चल रहे हैं। अनावश्यक मानसिक तनाव, उत्साह में कमी, मगर पराक्रम में वृद्धि संभावित है।
अधिकतर काम पूरे होंगे और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव, मगर कार्य क्षेत्र के उद्देश्यों के प्रति सकारात्मक पहल और व्यावसायिक उत्थान के प्रति मानसिकता बनेगी। चंद्रमा आज अपने नक्षत्र में केतु मंगल के साथ चल रहे हैं। आज का दिन मिलाजुला फल देने वाला व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावट खत्म होगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में मितव्ययी मानसिकता और अपने कार्य क्षेत्र में उठ रही बाधाओं के निराकरण की प्रवृत्ति बनेगी। हालांकि शंकाओं का दौर और कार्य क्षेत्र की सकारात्मक पहल में उतार चढ़ाव संभावित है। साथ ही संतान के दायित्व के प्रति चिंता बनेगी। फिर भी आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। धैर्य और सक्रियता बनाए रखें। खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यावसायिक उद्देश्यों को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति बनेगी। महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में मन लगेगा और नए प्रस्ताव की संभावना बनती है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवारजनों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। मकर राशि के जातक अति उत्साहित महसूस करेंगे और स्वयं के स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति मानसिकता बनेगी। निजी समस्याओं और संबंधित मामलों में उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। आपकी राशि पर आज भी केतु, मंगल और चंद्रमा का संयोग बना हुआ है। रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और अंतर मन का सहयोग बना रहेगा। खर्च की स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपनी सुख सुविधाओं और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही कार्य क्षेत्र के संसाधनों पर व्यय संभावित है। लाभदायी योजनाओं को विकसित करने का समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और यात्रा की संभावना बनती है। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। वाद विवाद से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने, आय संबंधी मामलों में नए रास्तों के विकसित करने की मानसिकता बनी रहेगी। मित्रों के सहयोग और उससे होने वाले लाभ के प्रति आज का दिन केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है। फिर भी पहले की कार्य योजनाएँ चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।